हेलो हाय, बहुत देर बाद आया ना। कितनी देर से इंतजार कर रहे थे, सर्च कर रहे थे अपने स्मार्ट फोन से कि कहाँ आए, कहाँ मिले, कैसे मिल जाऊं टिल्लू राजा को। तो आइए, इस महफिल में आपका हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम है कन्हैया कैसेट की फिल्म सिटी में। और टिल्लू राजा और आशु मुश्ताक आपका हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम करता है। और मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको अपने साथ कनेक्ट कर लेंगे, हम आपके परिवार का हिस्सा बन जाएंगे, आपके दिल पे राज करेंगे। कैसे, अभी प्रूफ करता हूँ। आप अपने घर में बैठे हैं, ठीक है, अपने मोबाइल पे हैं, लेकिन आप मुझसे दिल से जुड़ जाएंगे। मैंने अपने घर में एक गधा पाला, ठीक है। उस गधे को मैंने देखा कि यार कितना समझदार है ये, कितना समझदार नहीं है, कितना हो चुका है समझदार। मैंने कहा चलो यार इसको देखते हैं। मैं जंगल की तरफ थोड़ा सा ले गया, मैंने अपने गधे से पूछा, उसका नाम है टिल्लू। गधे का क्या नाम है? टिल्लू। क्या बात है अंकित भाई, उसका नाम है टिल्लू। मैं जंगल में घुमाने ले गया, सामने शेर दिखा, मैंने कहा बताओ टिल्लू ये क्या है? कहले ये तो शेर है, भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, ये शेर है, जंगल का राजा होता है। मैंने कहा वाह टिल्लू समझदार हो गए। आगे मेरे को मोटर से दिखा, हाथी दिखा, मैंने कहा अच्छा ये बताओ ये क्या है? अरे कहने लगे ये हाथी है, बहुत ताकतवर होता है, हिंदुस्तान में इसको बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। मैंने कहा वाह टिल्लू समझदार हो गए हो। आगे गया मैं, आगे मुझको वो दिखा, उसके वो पट्टियां जैसी होती हैं, पट्टी पट्टी धारी होती है, क्या बोलते हैं उसे, वाह टिल्लू समझदार हो गए हो। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं आपको अपने से जोड़ लूंगा। हमारी कॉमेडी ऐसी है कि कहीं ना कहीं आप अपने घर में बैठ के हमारी बातों का जवाब दोगे, जैसा अंकित जी ने दिया, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ गए, कनेक्ट हो गए। इसी तरह टिल्लू राजा ने अपने घर में एक तोता पाला, बहुत ही क्यूट था, बहुत ही प्यारा था। अपने तोते को लेके एब्रॉड गए, जैसे ही बोर्डिंग पास मिला चढ़े वो वहां पे गए, साथ में कहा कि मेरा तोता भी जाएगा, तोता भी चला गया। वहां के जेट एयरवेज वाले ने कहा कि ठीक है यार, तोता है, जानवर है, बड़ा प्यारा लग रहा है, क्यूट है, ले जाओ इसको। पहुंचे साहब एरोप्लेन में, वहां बैठ गए, बगल वाली सीट पे तोता भी बिठा लिया। टिल्लू राजा ने ऊपर बेल दबाई, एयर होस्टेस आई, कैन आई हेल्प यू? हाँ, हम तो बटन दबा के देख रहे थे, मतलब बटन दबा के तुम आती हो कि नहीं आती हो। अगर बटन दबाने से तुम आ रही तो हम सोच रहे यही वाला बटन हम अपने घर पे लगवाने वहाँ पे भी आओगी? अरे यार टिल्लू भाई, ऐसा नहीं होता है, ये बटन दबाने से लड़की नहीं आती है। अरे यार हम तो वहाँ ले गए, कहाँ पे, एरोप्लेन में, वहाँ तो हमारे साथ बहुत भयंकर चोट हो गई। अच्छा, वहाँ पे भी तुम्हारे साथ नाटक हो गए, क्या हुआ? अबे कहने लगे हमने वो तोता लिए थे साथ में, जैसे ही एयर होस्टेज आई तो बस हमारे तोते ने उसको किस कर लिया, हमारी बुद्धि शॉट, दोबारा हमने बटन दबा के दोबारा बुलाया, हमने एयर होस्टेज आई तो हमने भी उसको एक बस उसने पायलट से शिकायत कर दिया, कहने जी हमारे साथ बदतमीजी कर रहे। हमने कहा बदतमीजी क्या कर रहे, तोते ने चूमा तो आपने उसको कहा हाउ स्वीट वेरी नाइस किस, बस हमारा दिमाग खराब हो गया, हमारी बुद्धि शॉर्ट हो गई, हमने भी लगा लपक के पप्पी ले ली। कहने का फिर क्या हुआ? अभी उनने हमें पनिशमेंट दे दिया, कहने लगे एक काम करो इनको दोनों को हवाई जहाज के बाहर फेंक दो। हाँ, दोनों ने गलती करी। हमने कहा हमें फेंक रहे, इसे भी साथ में फेंको। तोते को भी फेंक दिया, हमें भी फेंक दिया। हम नीचे आ रहे तो हमारा तोता पता हमसे क्या कह रहा है, कह रहा जी बताओ टिल्लू राजा उड़ना आता है? हमने कहा नहीं। तो कह रहा उड़ना नहीं आता तो पप्पी काय ले ली? आ गई समझ में, आ गई